झारखंड बिग न्यूज में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू के लेस्लीगंज पहुंचे, जहां जैप 8 कैंपस में उन्होंने एक परेड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इंडिया रिजर्व बटालियन के पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। यहां प्रशिक्षु आरक्षियों के परेड का उन्होंने निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इंडिया रिजर्व बटालियन में 554 प्रशिक्षु आरक्षियों की नियुक्ति हुई है, जिनमें 182 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। आप देख रहे हैं एक विशेष वाहन में मुख्यमंत्री लेस्लीगंज पलामू के जैप 8 बटालियन के कैंपस में परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। ये नए कांस्टेबल्स ट्रेनिंग पूरी कर अब फील्ड में जाएंगे और अपनी सेवा देंगे। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आरक्षियों को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं की संख्या बटालियंस में अधिक हो रही हैं और महिलाएं काफ़ी संख्या में सेवा में आ रही हैं। यह सरकार की सोच के अनुकूल है और इनके सामने चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उन्हें मुस्तैदी के साथ उनका सामना करना ही एक कौशल होता है, जिसे आप लोगों को जानना है। ये देखिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षु आरक्षियों के परेड का निरीक्षण करने के उपरांत सलामी ले रहे हैं। सलामी यह एक सेरेमोनियल इवेंट माना जाता है। हर बटालियन के लिए इस तरह के पासिंग आउट परेड होते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री इसी कैंपस में जैप 8 बटालियन कैंपस में वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये देखिए बेस्ट पुरुष आरक्षी और महिला आरक्षी को मुख्यमंत्री पुरस्कृत कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को भी खेल सामग्री दी, जिससे ये खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित दिखे। जो पुलिस में काम करने वाले लोग हैं वे भी काफ़ी उत्साहित हैं। देखिए मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। पारण परेड समारोह 2022 के इस भव्य कार्यक्रम में और इस नीलांबर पीताम्बर के वीरभूमि पर यहाँ उपस्थित आरक्षियों के अभिभावकगण हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। बहुत ही शानदार और दिल जीतने वाला था। आज पलामू जिला के लेस्लीगंज में फिर से वही उत्साह, वही मंजर, वही जोश आज इस कैंपस में भी देखने को मिल रहा है। आपके इस कैंपस के पहले जो रास्ता है, जो सड़क है, उस सड़कों पर ना जाने कितनी बार हमारा आना जाना रहा, लेकिन उस सड़क के इस कैंपस के अंदर की गतिविधियों के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे इस कैंपस में आने का मौका मिल पाया। और आज आपके इस पारण परेड समारोह के माध्यम से आपके इस कैंपस में भी आने का मौका मिला है। आपके उत्साह और आपके जोश को भी देखने का हमें मौका मिल रहा है और इस पलामू के इस सुदूर क्षेत्र में इस कैंपस में इतनी बड़ी गतिविधियां हो रही हैं, ये शायद ही बाहर लोगों को ही पता चलता हो, लेकिन समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि पलामू जिला या पलामू प्रमंडल अत्यंत पिछड़े जिलों में से एक है। यहाँ का जोश, यहाँ का उत्साह देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज उस उत्साह और उस जोश को निखरने का मौका नहीं मिल रहा। यदा कदा कुछ ऐसे विशेष दिनों के माध्यम से हमारे नौजवानों का उत्साह देखने को मिलता है। आज उसी का एक हिस्सा के रूप में IRB 10 का जवानों का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। अब आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ चुके हैं और जो यहाँ उत्साह, इस हौसले को आपने परेड के माध्यम से, विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से,
जो दिखाया है, निश्चित रूप से ये काफी बड़ा गौरव का बात है।